करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल। मूंग की दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, खड़ा मसाला, टमाटो प्यूरी और प्याज। खड़े मसाले में हम लेंगे सौंफ, जीरा, सूखा धनिया, लौंग और काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, मसाला फूल, तेज पत्ता। एक बोल में एक कप मूंग दाल लें और उसे अच्छे से धो लें। अब इसे एक कुकर में डालें और इसमें 4 कप पानी डालें। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक डाल के कुकर को बंद करके गैस पे रख देंगे। इसमें 1 सीटी हाई फ्लेम पे और 1 सीटी लो फ्लेम पे लगाएंगे। अब कढ़ाई में 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 चम्मच जीरा और खड़ा मसाला डालेंगे। इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गार्लिक का पेस्ट और 1 चम्मच जिंजर का पेस्ट और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब मसाला तेल ना छोड़ दे। मसाला अच्छे से तेल छोड़ चुका है। अब इसमें स्वाद के अनुसार कच्चे आम का पेस्ट और नमक डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उबली हुई दाल को कढ़ाई में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें घी डालेंगे और इसे ठीक से उबाल आने तक पकाएंगे। मूंग की दाल तैयार हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।